मैं बम्बई हर साल जाता, कोई बम्बई की ऐसी कलोनी नहीं जिथे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ बोध समागम ना होया। तो दसन की लोड़ नहीं पाठ बोध समागम की होंगे, एक ओंकार तो लैके 18-10-20 तक एक एक अखर पढ़ा, तो उत्थे दी संगत भी बड़ी सोझी वाली है। जे कोई तुहाडे विचों बंबई गया हो पे या रहा हो पे, उन्हूं दर्शन की लोड़ नहीं, गुरबाणी नाल जुड़े हुए ने, गुरमत नाल पूरी तरह नाल ओत पोत ने, बड़े तजर्बे उत्थों सीखे। एक घटना मैं तुहाडे नाल साझी करदे हां। बरसोआ एक जगह मैं उत्थे अमृत वेले कथा करदी, शब्द की विचार की, अद्धा घंटे का टाइम होता। जो मैं तुरन लगा गड्डी विच बैठ गया, क्योंकि प्रबंधका ने मैनू गड्डी इस मकसद लिए दिती हुई सी भी ये तुहानू ले जाएगी ते कथा करन तो बाद इत्थे ले आवे। एक बजुर्ग बड़े साधारण जे वस्त्रां वाले, जेडे लगभग हर गुरमत समागम विच मैं देखता सी, वो मेरे कोल खड़े हो गए। कहन लगे, ज्ञानी जी अज मैं भी तुहाडे नाल चलना। मैं कहा जी बड़ी कृपा, गड्डी तो खाली है, मैं तो कल्ला ही हाँ, बैठो आओ चलिए। तुर पे, कहन लगे मैं पता क्यों आया। मैं कहा तुहानू पता होना है, मैं तो समझिया भी उत्थे 7 घंटे पाठ होना है, विचार होनी है, तो तुसी उत्थे सुनोगे। कहिंदे वो तो ठीक है, पर मेरा मकसद अज कुछ होर है। मैं कहा वो दसो। कहिंदे कोई कॉलोनी होवे, कोई मोहल्ला होवे, लोग सेफ्टी लई चौकीदार रखते, तो सारी कॉलोनी वाले कुछ कुछ पैसे कट्ठे करके उन्हों महीने की तनखाह देंदे ने, ते असी आराम नाल समीए ते ए साडी रखवाली करे। पर जे चौकीदार दे हुंदिया उस कॉलोनी भी चोरी हो जाए, फिर सब तो पहला किनूं पुछया जांदा? चौकीदार। आखिर तुसी अद्धा घंटा कथा कीती है, ते जिन्नी माया तुहानू संगत ने दिती है, तुहानू गिणदिया अद्धा घंटा लग जांदा। पर ये दसो कि जदों तुसी कलगियां वाले पातशाह कोल जाओगे, वो तुहानू पुछणगे कि नहीं भी जदों सिख नौजवानों ने केस कतल कराए, दाड़ियाँ मुन लईयां, तुसी कित्थे सौ? सात संगत, मैं गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी विच कह रहा, मेरे पसीने छुट गए। उस बजुर्ग की कही हुई गल मेरे सीने विच खुब गई। गल तो यह है कि जे असी सारे गुरु के सिख अपने परिवार तो लैके अपने इर्द गिर्द विच अपने इस फर्ज की पालना करिए, फिर असी गुरु वालों सुरखरू हो सकते। थोड़े दिन होए मैं दरबार साहब गया, जदों लाइन विच लगा होया सी, बड़ी लंबी लाइन होंदी, कई बारी तो संकोच भी कर जाइए भाई बिरध अवस्था है, कि कोई ऐसी किरिया लोड़ पै जाए मुश्किल हो जाएगी, पर मन तगड़ा करके चलो अज जो हो। जदों दर्शनी ड्योड़ी के नेड़े पहुँचा तो एक बड़ा उच्चा लम्मा जवान वो सब नू कह रहा सी, सतसंग जी लैन च लगो, लैन च लगो। जदों मैं नेड़े आया तो उन्हें दाढ़ी ट्रिम की हुई सी, मैं हाथ जोड़ रहे, मैं कहा जी तुहाडा धन्नवाद, ते सानू लैन चला रहे हो ते तुसी भी लैन च लग जाओ। मैं उहदी दाढ़ी नू हाथ लाता, गुरु ने ऐसी कला वरताई, उन्हें जकारा छड़ दिता, कहिंदा लो जी अज तो बाद मैं लैन च लग। प्रचारक बनने वास्ते गुरु नू समर्पित होके गुरु वालों जो ड्यूटी लाई है ना उन्हूं करो, गुरु आप ही अपनी कला वरता दे।
मैं थोड़े दिन हुए पंजोखरा साहब गया जिथे गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह छजू चीवर कौल गीता के अर्थ भी कराए उस अहंकारी लालचंद पंडित का अहंकार भी तोर किया। जदों मैं मत्था टेक के परिक्रमा करके आया तो एक गुरसिख मैनू तो सारे गुरु रूप नजर आते वो कार सेवा वाले बाबा की टोकरी से बैठा खड़ा हो गया फतेह बुलाई आंदा जी मैं बहुत दिनों का तुम मिलना चाहता भी मैं हाजिर हाँ गुरु मैं आप ही लै आया थोड़े को यह दसो भी मैं सिमरन करा करा कि मैं बाणी पढ़िया कर मैं क्या दोवें काम करा करो सिमरन करना भी जरूरी है पर बाणी पढ़नी भी जरूरी है। बाणी ये दसती है कि सिमरन क्यों करना बाणी ये दसती है सिमरन किवें करना बाणी ये दसती कि सिमरन किसका करना जे बाणी नहीं पढ़ांगे ये निरा सिमरन कह लगे फिर सौखा जिहा तरीका दसो मैं कहा मैनू जो लभे मैं तो उही दस सतसंग पहला सत महीनों च दास सहज पाठ किया मैनू नहीं सी पता भी गुरु इउं कला वरतां अज लखां लोग सुनते मैं नहीं किसी पुछन जांदा भी तू सुनदा कि नहीं सुनदा पर जदों लोगों के फोन आते हैं फिर मैनू पता लगता भी इहदा बड़ा दाब है हुण उहदी व्याख्या हो रही तो जदों मैं व्याख्या करदा मैं तो गुरुओं की हो जाना मैं काम ग्रंथी की सेवा तो 1956 में सेवा शुरू की इतिहासक गुरुद्वारा से अंदरों प्रेरणा हुई भी पाठ से करी जाने समझ के भी कर जदों ये जग्यासा हुई तो मैं पाठ कर रहा सी गौड़ी राग विच एक पौड़ी के अंदर एक अखर आया नारायण लिया न ठूंगड़ा नारायण लिया न ठूंगड़ा पैर कितने रखे हुण मैनू समझ ना आवे न ठूंगड़ा की हुंदा मैं पहला नहीं कदे सुनिया पढ़िया नहीं ना ठूंगड़ा की होंगे हो सकता थोड़े चो सारे आता हो पर मैं नहीं सी आ मैं अपने शहर में जोड़े दो ज्ञानी सन एक तो अपने आप में ज्ञानी पहला लिखते सी ज्ञानी पिछों लिखते थे ये भी फर्क है ना साढ़े में सैल्फ मेड ज्ञानी भी बहुत ने तो मैं पिछों लिखण वाले को चला गया वो ज्ञानी पास सी मैं कहा जी आप मैं ये अर्थ दस दो मैं पता सी वो थोड़ा जहा की उन्होंने कहने जी जी भीम की कहने सिंह वो भी छकते नागनी है वो ना मेरी गल सुन के हाँ अच्छा मैं देखूंगा मैं समझ गया यदा नागनी डंग मार गई कख नहीं दसी फिर मैं दूजे ज्ञानी को जेडे पहला लिखते थे उन्हें भी मेरे पर लिख पाया मैं बड़ा निराश हो गया मैं कहा हाथ हो गया ये ज्ञानी दोवें मैं टाल गई मेरे अंदरों आवाज आई तू घबरा ना तेरे को सब कुछ है वो सब कुछ की सी मेरे को महान कोश सी और वो महान कोश दे करता भाई कान सिंह नाभा की पोतरी शाहबाद ब्याही हुई सी उस परिवार विच मेरा बहुत आन जान प्यार सी जदों भाई कान सिंह नाभा का वो कोश पाशा विभाग ने छापिया तो पांच पोथियां परिवार को दित्तियां उन्हां विचों एक उत्थे शाहबाद आ गई वो जिन्हां दे घर आई वो सन दर्जा अवल मुझे स्टेट उन्हां दे घर भाई कान सिंह नाभा की पोतरी सी उन्होंने शायद समझा भी वो दोवें जी मैनू दे गए वो मेरे को यादगारी है सरदार संपूर्ण सिंह बीबा नरिंदर कौर वालों ज्ञानी साहब सिंह भेट की थी। वो मेरे घर सी पर मैनू पता नहीं सी इहदी की महानता मेरे गुरु ने मैनू थापड़ा दिता मैं कर गया दोवां ज्ञानियां तो निराश हो के मैं वो खोल के पढ़ना शुरू कर दिता आह बादशाह ने इसलिए कहा है
खोजी बनीए बादी ना बनी, बहस वैसियां ते झगड़ियां विच ना पईए बल्कि खोजिए। जदों मैं खोजिया मैनू लभ गया, उत्थे लिखिया सी नठूंगड़ा सिंधी बोली दा शब्द है, इहदा अर्थ है गडीरड़ा, तीन पहियां वाला वो रेड़ा जिहड़ा छोटे बच्चे नूं तुरना सिखाउण लई आम साढ़े घरां विच हुंदा सी, हुण उहदा नाम बदल गया वाकर कह लो, उदों गडीरड़ा कहिंदे। इत्थे है ज्ञान रूपी गडीरड़ा, नारायण लया ना ठूंगड़ा, सब जगह नारायण राणे नूं औंकड़ नाल है पर इत्थे नारायण दे राणे नूं सियारी है। जिस बंदे कोलों नारायण ने ज्ञान रूपी गडीरड़ा खो लिया होवे उहदा पैर चंगे पासे नहीं टिक। लो ओ दिन ते आ दिन मैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे एक एक अखर नूं एक एक शब्द नूं एक एक पंक्ति एक बारी नहीं कई बारी पढ़दा ते जद तिकर मैनू समझ ना आ जाए मैं अगे तुरदा ही। उहदा रिजल्ट ऐसा होया कि हुण मैनू समझ आई कि ये गुरु, कल दी गल है एक बच्चा कहिंदा जी ये शब्द गुरु सुरत तुहानूं चेला की है, ये नहीं सारी तुन तुन किवें लगे ये है वो। ओ मैं क्या प्यारिया इहनूं शुरू तो पढ़, सिद्धा ने आख्या सी कवन मूल कवन मत वेला, तेरा कवन गुरु जिसका तू चेला, ते बाबे ने आख्या पवन आरंभ सतगुर मत वेला शब्द गुरु सुरत तुहानूं चेला। जदों मैं पहलियां पंक्तियां पढ़ के सुनी, अज साडे विचों बहु गिणती गुरसिख भी अखरां नाल जुड़ के पंक्तियां नाल जुड़ के उत्थे अटक के रह जांदे ने, ते फिर होर कुछ ना होवे ते आपस विच ओ अंग्रेजी दा शब्द मैनूं शायद हुण नहीं भुरदा, वो आपस विच उलझ जांदे उत्थे आ लिखिया जी उत्थे आ लिखिया नहीं। भाई पहली गल ते गुरु ते शंका ना करो, ये कहो कि साडी बुद्धि थोड़ी है असीं समझ नहीं सके, फिर अरदास करो फिर यतन करो, गुरु बड़ा दयालु है